नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज से फिर दोबारा से मैं अपना एनालिसिस वीडियो जो है वो मैं शेयर करना शुरू करूंगा और हर रोज शाम को मैं ये वीडियो एक डाला करूंगा। सिर्फ बैंक निफ्टी का होगा, उसको हम प्राइस एक्शन बेस पे और उसके बाद ऑप्शन चेन दोनों को कंपेयर करेंगे और हम अपना एनालिसिस बनाएंगे, हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे कल के लिए, अगले दिन के लिए। तो कल का क्या प्लान हो सकता है। आज देखिए फिर दोबारा से मार्केट जो है सो उसी रेंज में रहा। 15 मिनट का चार्ट है ये और फिर दोबारा से उसी रेंज में उसने पूरा का पूरा मतलब मोर और लेस एक कंसोलिडेशन का मोड अपना जो फेस था वो बिल्कुल शुरू रखा है इसने। आप देखते हैं आज इसने बिल्कुल बीच में क्लोजिंग दी है। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये हम जो है सो ऑप्शन चेन के साथ भी देखेंगे और थोड़ा प्राइस एक्शन के साथ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वन डे के चार्ट पे आते हैं। पहले देखते हैं कि डे वाइज चार्ट पे इसका जो है सो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ निकल रहा है। तो डे चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल रहा है वो निकल रहा है इस लेवल पे और ये लेवल है हमारा 36,500 का। तो हम इसको क्या करते हैं राउंड फिगर दे देते हैं 36,500। तो कल अगर मार्केट जो है सो यहाँ तक आता है 36,500 तक आएगा, और सबसे मजे की बात क्या है, अगर मेरे प्लान की क्या रहेगा कि 36,500 अगर आएगा और यहाँ मुझे एक 5 मिनट के नेगेटिव कैंडल मुझे दिखेगी तो मैं उसको शॉर्ट करूंगा, मैं वहां पर कॉल को बेचूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट मोर और लेस इतना इसके बराबर रहेगा, मतलब 100-150 पॉइंट अगर मुझे मिलेगा तो मैं वहां से एग्जिट करूंगा। अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट क्या कह रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो सेम चीज जैसे कि हमने अभी बात चर्चा करी थी कि ये बिल्कुल फिर दोबारा से अपने कंसोलिडेशन मोड को इसने कंटिन्यू रखा है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस होने वाला है 36,500 का इसके लिए। ये एक बार में ये क्रॉस कर नहीं पाएगा कल, क्योंकि अभी मार्केट है 36,000 पे और इतना लंबा ट्रेवल अगर ये करेगा, अगर गैप डाउन गैप अप भी अगर खुलता है, गैप अप या गैप डाउन भी खुलेगा, सॉरी गैप अप अगर खुलेगा तो भी ये यहाँ पर आकर के एक बार ये पुल बैक यहाँ से लेगा ही लेगा, और पुल बैक कम से कम भी तो कहाँ लेगा जहाँ तक ये इसका कंसोलिडेशन फेज था, मैं 36,290 मतलब 200 पॉइंट का ये 300 पॉइंट का कंसोलिडेशन या 200 पॉइंट का ये वापस दे सकता है यहाँ से डाउन साइड को। और अगर ये ब्रेक डाउन साइड को अगर ब्रेक करेगा तो बहुत सिंपल, जो हमारा ये जो गैप एक पेंडिंग है हो सकता है कि इस गैप को ये फिल करे और फिर दोबारा से यहाँ से बाउंस हो, क्योंकि ये बहुत मजबूत एक सपोर्ट होता है। हम सबको पता है कि जो गैप होता है वो एक बहुत बड़ा मजबूत सपोर्ट होता है। तो कल की मेरी प्लानिंग ये रहेगी, अगर फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये जिस तरफ भी जाएगा, अगर नीचे की तरफ आएगा तो मैं यहाँ पर एक, अगर यहाँ से इसने इस वाले पॉइंट से जहाँ से इसने एक बार दो बार और ये तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट लेगा, अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ पर एक कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट करूंगा, और अगर इसने इसको लेवल को तोड़ दिया तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। वेट करने के बाद अगर यहाँ से मैं शॉर्ट करूंगा तो ठीक, नहीं तो फिर इस लेवल तक का मैं वेट करूंगा, फिर यहाँ से मैं फिर दोबारा से पुट शॉर्ट करूंगा। और अगर ये ऊपर गैप जैसा मैंने बताया कि 36,500 मेरे रडार पे है, मैं यहाँ पर जो है सो पहुंचते के साथ ही मैं यहाँ से कॉल शॉर्ट करूंगा किसी भी हालत में। अब एक बार जरा ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। 36,500 का हमें यहाँ दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा मजबूत रजिस्टेंस है, और 35,200 के आसपास हमें दिख रहा है कि 35,200 से लेकर 250 का जो पॉइंट है, 35,200 मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा मजबूत सपोर्ट हम मान रहे हैं अभी प्राइस एक्शन के थ्रू। तो हम ऑप्शन चेन में आ गए, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन चेन 12 अगस्त बैंक निफ्टी। हम सबको पता है कि हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो इसके अंदर ही हम सेलर की प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। पुट साइड का मतलब पुट सेलर, कॉल साइड का मतलब कॉल सेलर। कॉल सेलर का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लोग सपोर्ट देखते हैं, पुट सेलर का मतलब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो अब ये 36,500 का सबसे पहले हम लेवल देखते हैं। 36,500 के लेवल पे हमें क्या दिखता है कि चेंज इन ओआई बिल्कुल भी नहीं है, 2426 है और जो टोटल बिल्ड ओआई है वो 5,749 है। तो मतलब ये एक ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे अपना प्लान फिर चेंज करना पड़ सकता है कल के सिनेरियो के बाद। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कॉल साइड पे, सॉरी मेरे को बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा। देखिए 36,500 में हम कॉल साइड पे आते हैं तो कॉल राइटर कितने यहाँ पर 21,132, ये चेंज इन ओआई है और टोटल 66,566 का यहाँ पर जो है सो ओआई बिल्ड है बन चुका है। तो इसका मतलब यह है कि वाकई में 36,500 एक बहुत मजबूत जो है सो रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ आएगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट बिल्कुल करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को हम जाने नहीं देंगे।
दूसरा हम एक छोटा सा काम और करते हैं, पीसीआर रेशो निकालते हैं। पीसीआर रेशो कुछ भी नहीं होता है, कॉल पुट रेशो होता है, जिसके अंदर कि हमें पता चलता है कि किस वाला साइड में ज़्यादा वजन है, इन द सेंस कि मतलब कौन सा ज़्यादा सोल्ड आउट है, कॉल साइड के पुट साइड। तो पीसीआर रेशो का मतलब है पुट कॉल रेशो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पुट लेते हैं, ये है गया 60324 9। हम इसको डिवाइड करेंगे 788689, और हम इसको इक्वल टू करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है कि जो हमारा कॉल साइड है ये आया 0.76। मतलब अगर एक कॉल साइड है तो 1:2 के रेशो में ये 0.76 जो है सो पुट कम सेल है। मतलब हमारा जो है सो कॉल सेलर ज़्यादा है, पुट सेलर कम है। तो हमें उम्मीद है कि कल जो है सो मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन दिख सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। तो हम लोग वेट करेंगे। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा प्लान होगा डेफिनेटली, क्योंकि 36,500 का लेवल ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों के हिसाब से बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के, तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी करीब 200 पॉइंट की। अगर ये फिर भी यहाँ पर गैप अप खुलता है तो भी ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 36,500 की। अगर ये गैप डाउन भी खुलता है, ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, तो इस लेवल पर शॉर्ट ना करें। मैं वेट करूंगा इस लेवल का। अगर ये इस लेवल तक आता है तो मैं यहाँ से फिर एक अपसाइड का एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।